एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्पर्धा एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पर्धा एकेडमी के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के उस सेक्शन की जो रेलवे में हमसे पूछा जाता है, क्योंकि रेलवे का पेपर आप जानते हो कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, और अभी देखो अभी एसएससी ने सीएचएसएल का भी पेपर निकाला है। ठीक है, तो सीएचएसएल में भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, और आज और हम बात करें अगर आरआरबी की, आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी में भी इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं इन दो टॉपिक्स के, इन दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रखकर, और बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के उस पार्ट की जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक। ठीक है, और इसको हिंदी में कहा जाता है अंकगणित। ठीक है, अंकगणित की अगर हम बात करें तो अंकगणित एक बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। आप बचपन से लेके अब तक अंकगणित करते आए हैं, आपको फायदा होता है तब आप पढ़ते हो, आपको फायदा नहीं होता है आप वो चीज नहीं पढ़ते हो, आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वो काम करते हो। ये फायदा और नुकसान आ कहां से रहा है? दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, मतलब अंकगणित से आपको ये ज्ञान मिलता है कि क्या चीज होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और उसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसी में अंकगणित में अगर आप टॉपिक की बात करें, क्योंकि देखिए आरआरबी और एनटीपीसी दोनों में ये चीज क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से बैंक में भी आता है। हालांकि बैंक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ये कैट में भी पूछा जाता है, और एसएससी सीजीएल में तो सबको पता है कि भाई सीजीएल का लेवल क्या होता है और कैसे पूछा जाता है। और अगर आपने मेंस का पेपर देखा हो 2017 वाला, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको उन सारी चीजों को अगर ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक टॉपिक की, जिसको हिंदी में अंकगणित कहा जाता है। देखिए इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमको अंकगणित में पढ़ना क्या क्या। तो जो सबसे पहली चीज पढ़नी है उसे बोला जाता है परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। फिर उसके बाद जो चीज हमको पढ़नी है वो पढ़नी है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ना है। उसके बाद आता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब समझते हो, बट्टा इसको हिंदी में कहा जाता है, बट्टे का मतलब होता है छूट क्या होती है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आप सभी को पता है, लाभ और हानि हो जाता है, ये हो गया प्रतिशत हो गया। इसके बाद हमको पढ़ना है सीआई और एसआई। ठीक है, सीआई और एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो, एक ऐसा ब्याज जो कभी भी नहीं बदलता, जो पूरी तरीके से सिर्फ मूलधन पर लगता है, ना ही मूलधन बदलेगा और ना ही ब्याज की दर बदलती है। लेकिन जब हम बात करने लगते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसमें क्या होता है, एक साल बाद जो ब्याज हमको मिला उस पर भी ब्याज मिलने लगता है। बात समझे, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एसआई और सीआई में क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती हैं, कितना सिंपल क्वेश्चंस आरआरबी पूछ सकता है और किस लेवल तक वो जा सकती है। ठीक है, सबसे बड़ा पेपर है कैट का पेपर, और इन सबको अगर आपको कवर करना है तो आपको इनकी जानकारी बेसिक सी होनी चाहिए। और देखना, बेसिक से पढ़ोगे ना, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हाई लेवल जाने की। हाई लेवल सब कुछ होता ही नहीं, ये मैथ है, इसमें हाई लेवल कहां से लेकर आओगे? हाई लेवल वही होता है, कैलकुलेशन तेज कर लो वही हाई लेवल होता है, या सोच बढ़ा लीजिए वही हाई लेवल होता है। बात समझे, तो वही चीज हमको करनी है, हमको बेसिक तो पता हो पहले क्या हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, राइट। चलिए, ये हो गया सीआईएसआई की बात कर ली हमने, फिर हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड और डिस्टेंस की बात करेंगे, गति की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम, वर्क और टाइम की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा इसी में भी, इसी में हम पढ़ लेंगे गोट एंड स्ट्रीम। गोट एंड स्ट्रीम, गोट एंड स्ट्रीम, या गोट एंड स्ट्रीम का मतलब समझ लीजिए नाव और धारा के जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो सब एक ही होते हैं, कुछ नहीं होता। इसी में एक नई चीज और जोड़ लेते हो आप ट्रेन, तो इसको अलग से पढ़ने लगते हो कि सर ट्रेन का क्वेश्चन अलग आता है, अलग अलग कुछ नहीं आता, होता तो वो टाइम स्पीड डिस्टेंस ही है। अब वर्क एंड टाइम की बात करते हो, उसकी इसी में आ जाता है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी और नली। ठीक है, नल और टंकी के भी क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपके एवरेज से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन आ जाएगा तो एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जिसे कहा जाता है रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन को हिंदी में कहा जाता है अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात क्या होता है, अनुपात और समानुपात कैसे निकाले जाते हैं,
क्यों निकाले जाते हैं और इनका सबसे अच्छा यूज कहाँ होता है, ठीक है। हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है और इन्हीं चीजों को जब हम बहुत बेसिक से समझ लेते हैं तो इसके बाद जो चीज आती है, क्योंकि आरआरबी में अगर आप सिलेबस उठाकर देखोगे तो अंकगणित के साथ साथ आपको पढ़ना है वहां पर ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री आपको पढ़नी है, उसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी आती है और सबसे खतरनाक चीज एलजेब्रा भी आती है। और देखो सर, ध्यान रखना, अंक गणित में जहां नंबर आते हैं वहां पर आप चर संख्याएं ले लीजिए। चर संख्याओं का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। अगर हम वेरिएबल ले लोगे ना सर, तो वेरिएबल्स जब आप चर संख्याएं ले लेते हो वही एलजेब्रा हो जाती है, ठीक है। सेम चीज है, एलजेब्रा और अरिथमेटिक में कोई खास अंतर होता नहीं है, बस इसमें कुछ नई चीजें आपको पढ़नी पड़ जाती हैं। जैसे सर्व समीकरण आपको पढ़नी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए हो जाता है। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। इसी में आपको एक चीज और पढ़नी है, द्विघाती समीकरण, ठीक है। द्विघातीय समीकरण जानते हैं क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इंग्लिश में, बचपन में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में। तो उसमें आपको एक चीज पढ़नी होती थी, श्रीधराचार्य का नियम, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे उस चीज में। और अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं, आज जिस चीज की हम बात करने वाले हैं वो है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज के बारे में आज हम बात करेंगे और परसेंटेज को बहुत बारीकी से समझेंगे। आज तक आपने सिर्फ परसेंटेज सुना है, परसेंटेज निकाला है, समझा नहीं, ठीक है। तो आज हम परसेंटेज को समझेंगे और देखिए कितना आसान सा होता है ये, ठीक है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए परसेंटेज, ठीक। और परसेंटेज के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, आप सभी ने हिंदी पढ़ी है, अगर हिंदी पढ़ी है तो आपको संधि विच्छेद करना भी आता हो, आता है सभी को, ठीक। तो जरा एक बात बताओ, तो जरा हम परसेंटेज को लिखते हैं परसेंटेज और इसको लिखते हैं प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अगर संधि विच्छेद करो तो प्रति अलग हो गया, शत अलग हो गया, पर अलग हो गया, सेंट अलग हो गया, एज अलग हो गया। एज का कोई लेना देना नहीं है, परसेंट की बात कर रहे हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सौ। हो गया कुछ, चैप्टर खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आप, बात समझे क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए जब हम बात करते हैं प्रत्येक सौ, आप कुछ भी इस दुनिया में ले लीजिए, अगर उसका आधार सौ है तो वो प्रतिशत है। जैसे कल को आपसे कोई बोल दे, कल आपसे कल कोई आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि भाई आपके क्लास टेंथ में कितने नंबर थे, तो आप क्या बोलते हो, सर हम बोलते हैं कि 90% सर हमने अंक हासिल किए हैं, 90%। और सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है भाई, 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक कितना है, 100 नंबर है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल पूर्णांक, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 500 नंबर हो जाएगा। मतलब 90% पूरा पाए हो और कुल मार्क्स कितने हैं, 500 है। अगर 500 है तो आप मुझे एक बात बताओ कि 90% 500 का, अगर आपने कितने नंबर लाए हैं, 450 नंबर लाए हो 500 में से, तो ये 90% होगा कि नहीं होगा, होगा ठीक। 90% हो गया, कैसे हो गया, इंटू 100 कर लीजिए इसको, तो आपको पता चल जाएगा भाई 2 0 2 0 ये कट गए, 5 9 45 और 0, 90% नंबर आ गए। लेकिन आपने ये चीज निकाली किस, आपने तो यहाँ 500 में निकाली है ना, और आप जब बता रहे हो तो ये तो बता नहीं रहे हो कि आपका जो पूर्णांक आया जाए, जो मैक्सिमम मार्क्स आए वो कितने थे, 500 थे, ये तो आपने नहीं बताया। आपने केवल क्या बताया, आपने केवल बताया सर हमारे 90% मार्क्स। अगर यही पूर्णांक 100 नंबर का होता तो क्या बदलती कहानी, नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती, क्योंकि प्रतिशत समान है, आधार बदलोगे तो सब बदल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो शब्द आया उसका मतलब क्या था, आधार, ठीक है। अब यही चीज अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है, 90/100 लिखा है कि नहीं लिखा है, और यहां पर आप क्या लिख रहे हो, यहां पर आप लिख रहे हो 450/5। समझना, यहां 100 था तो 90 मिल रहा था, यहां आपने 500 कर दिया तो कितना मिल रहा है, 450 मिल रहा है। बात समझ पाए, देखो ये कई गुना कर दिए हो आप, 100 को जब देखा गया तो 100 का गुना आपने कितना बढ़ा दिया, 5 गुना कर दिए,
मतलब आधार को पांच गुना किए, अगर आधार को पांच गुना किया है आपने तो क्या अंश नहीं बदलेगा, अंश भी तो पांच गुना होगा तभी बराबर कर पाओगे, वरना बराबर ही नहीं होगा। तो आप अगर देखो तो 90 का भी पांच गुना क्या हो गया है, 450 हो गया। 90 का पांच गुना कितना होता है, 450 होता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिशत के अंदर किस चीज का निर्धारण करना, आधार का निर्धारण करना। और जब आधार आपको मिल जाए तो आधार कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आधार मिल गया उसके हिसाब से प्रतिशत बराबर, कोई टेंशन नहीं। प्रतिशत में अगर कोई सर को बोल दे कि भाई 90% नंबर है, और 90% का मतलब जानते हो, दो तरीके से लिख सकते हो आप इसको, ऐसे भी लिख सकते हो 450/500 या फिर 900/1000 भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अच्छा यही चीज अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 270/300, ये भी 90% ही होगा। और भी अगर आप लिखना चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 180.200, नहीं लिख सकते हो क्या, क्यों, क्योंकि ये जो 90% आप सोच रहे हो दिमाग में वो तो ये लिखा था, लेकिन जैसे जैसे आधार बदल रहे हैं वैसे वैसे ऊपर की भी संख्याएं बदल रही हैं। तो आधार बदलोगे प्रतिशत बदलेगा, आधार नहीं बदलोगे प्रतिशत नहीं बदलेगा। बात समझ गए, अब समझना जरा, देखिए अब आधार की अगर हम बात करें तो यहां पर आधार जब आप बदल रहे हो तो कहानी तो बदल रही है, लेकिन अगर इन सबके प्रतिशत की हम बात करने लगे तो सबके सब क्या है, 90 ही तो परसेंट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप प्रतिशत में आधार की बात करते हो, आधार के हिसाब से सोचते हो, तो आपका प्रतिशत निकलता है। जैसे जैसे आधार को बदला जाता है प्रतिशत में परिवर्तन होता है, अगर ऊपर वाली चीजों को ना बदला जाए, ठीक है। जैसे यही चीज अगर आप समझने की बात कहें तो कल को आप ये नहीं कह सकते कि 90/100 बराबर होगा 900/1000, ये कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर आपने आधार तो बदला, आधार तो बदला, आधार तो आपने बदल दिया लेकिन ऊपर वाली संख्याएं नहीं बदली। जब आधार आपने बदल दिया ऊपर वाली संख्याएं आपने बदली ही नहीं, तो बताओ कभी प्रतिशत बराबर होगा क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आधार बदलते हैं तो ऊपर की संख्या भी बदलनी पड़ेगी, और अगर आप इसको नहीं बदलते हैं तो प्रतिशत बराबर नहीं हो सकता। बात समझ गए, आप अगली बात पर आते हैं। आप जरा ध्यान देना, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, कहीं पर आपने ऐसे लिखा हो 50% निकालना है ऑफ 50% ऑफ 500, या कुछ भी ऐसे लिखा हो 50% ऑफ 500, सबको पता है कितना होगा, 250 होगा, ठीक है। हमको नहीं आता, हम नहीं कर पाते इतनी बड़ी कैलकुलेशन, हमको नहीं आती थी। तो हम क्या करते थे, 50/, इसको कैसे लिखते थे, 50/100 × 500, देखते थे कि नहीं, दो जीरो कट गए, 5 5 25, और 1 0 इसका आंसर आ गया 250। इसी चीज को आप अगर लिखने की बात करो ना तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आप पलट कर लिख सकते हो 500% ऑफ 50, इसका भी आंसर 250 है, ठीक है। मतलब अगर आपने लिखा 50% ऑफ 500 या 500% ऑफ 50, दोनों आपस में बराबर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई कि प्रतिशत आप चाहे जिसके साथ लगाओ, प्रतिशत का चिन्ह आप चाहे जिसके साथ लगाएं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया कि 50% ऑफ 500 हमेशा बराबर होता है 500% ऑफ 50। आज तक कभी आपने इसका इस्तेमाल किया है, आप लोग पता है क्या करते हो, 100% जैसे आपसे कल को बोल पूछ ले 62.5% ऑफ, आपसे बोल दिया जाए जैसे 100 बोल दिया जाए, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आप क्या करते हो, आप कैलकुलेट करना शुरू करते हो, आंसर लगाते हो 62.5%, मतलब 62.5 आ जाता है आंसर। जब आपको समझ में ना आए ना कुछ मत करना, इसको पलट दीजिए, इसको पलट दो, पलटने पर क्या हो जाएगा 100% ऑफ 62.5, और 100% 62, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यही वापिस लौट कर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। कहने का अभिप्राय बस इतना सा है कि प्रतिशत का मान आप चाहे जहां रख दीजिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। बात समझ गए, अब जरा बहुत ध्यान से समझना एक चीज और,
जब हमने ये सारी चीजें कर ली, अच्छा ये चीज जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बहुत तेजी से अगर करनी है तो इसको तोड़ना सीख लीजिए, और तोड़कर अगर आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हो तो बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन दिमाग में भी हो सकती है। ठीक है, कोशिश करिए इन चीजों को दिमाग में रखने की। ठीक है, जरा अगली चीज पर हम ध्यान देते हैं। जरा आप जरा ध्यान देना, जैसे कभी कभी आपसे कहा जाता है कि हम एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम आधार पढ़ लेते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर चीज या हर वस्तु अपने आप में 100% होती। बात समझी? मतलब इस दुनिया में हर कोई चीज, हर चीज आप भी अपने आप में 100%, आपकी तुलना किसी और से की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है उसको आधार माना गया, जिसकी की जा रही है उसको निकाला गया। यहां दो शब्द और आ गए आपके पास, कौन सा, किसकी और किससे, दो शब्द हैं यहां पर, ध्यान रखना, एक के साथ आ रहा है की शब्द और एक के साथ आ रहा है से शब्द। बात समझ पाए? मतलब किसकी तुलना किससे की जा रही है, जिससे की जाएगी ये आधार होता है, और जिसकी की जाएगी वो क्या होता है, अंश, ये ऊपर रखा जाता है। जैसे यहां पर आओ देखो, जरा आपकी तुलना की गई, 90 की तुलना हो रही है किससे हो रही है, 100 से हो रही है ना, 90 की तुलना हो रही है 100 से हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका सारा काम गड़बड़ा गया भाई, 100 का काम था 90 की बात हो रही है। बात समझ पाए? तो यहां पर क्या हो रहा है, किसकी तुलना किससे की जा रही है ये आपको समझना होगा, और यही चीज आपको पता चल करेगी कि आपका आधार क्या होगा और आंसर कैसे होगा। बात समझ गए? जरा इसको एक शब्द से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और कई बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, पता नहीं आप लोगों को दिक्कत आती है कि नहीं आती है, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत आती है आज के बाद नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी उसका रीजन समझ लेना। देखिए, कहा जाता है ए की आय बी से 10% अधिक, ठीक है। अब जरा समझना क्या बोला जा रहा है, ए की आय की किसके साथ लगा है, ए के साथ लगा है, मतलब ए की तुलना कर रहे हैं आप, ए की तुलना कर रहे हो भाई, ए की आय किसकी आय, ए की आय किससे, बी से तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है, कितनी प्रतिशत अधिक है, 10%। बात समझ पाए? तो यहां पर हम क्या ये नहीं लिख सकते भाई, ए और बी की बात करें और जो आधार होता है वो अपने आप में 100% होता है, आधार यहां पर कौन है, बी है, तो बी है आधार है तो इसको 100% मान लीजिए। ए की आय बी से कितनी ज्यादा है, 10% ज्यादा है, तो ए के लिए आपको 10% बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, अगर बढ़ाना पड़ेगा तो सर ये कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि 10% 100 का जो होता है वो 10 होता है, ठीक है, तो 10 बढ़ जाएगा, 10 तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, अगर आप बात करो ए की आय की, तो अगर बी 100 रुपया कमाते होंगे तो ए कितना रुपया कमाएंगे, 110 रुपया कमाएंगे पक्का, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। आप फिर से पढ़ते हैं, ए की आय बी से 10% अधिक है, ए की आय बी से 10% अधिक, देखो बी 100 रुपया कमा रहा था, ये 110 रुपया कमा रहा था। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बी की आय ए से कितनी कम है, कितनी कम। बात समझ गए? अब आप खुद बताओ कि बी की आय तुलना किसकी करनी है, बी की करनी है, किससे करनी है, ए से करनी है, कितनी कम है, ऑब्वियसली कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि भाई ये तो 100 पर थे, ये 110 पे, 10 रुपया कम है, 10 रुपए कम है, लेकिन किससे कम है, ए से कम है ना, तो ए आएगा नीचे, अब तो तुलना तो ए से हो रही है, ए आ जाएगा, यही प्रतिशत बनाना हो अगर आपको, और यही कमी हो जाएगी प्रतिशत में, प्रतिशत की कमी हो जाएगी इंटू 100 हो जाएगा, देखो 2 0 1 0 1 0 कट जाएगा, ये बटेगा 100/11 और इसको बोलते हैं 9.11%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 9/1/11%। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको, कितना आसान सा क्वेश्चन था, कठिन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कितना
इतना इजी सा क्वेश्चन है, ए की आय बी से जिससे तुलना की जाए, पहले तो इस वाली लाइन से आप ये समझ लो कि करना क्या है, कि आएगा क्या, ठीक। उसके बाद जो पूछा जाए उसकी बात करते हैं, बी की आय ए से कितनी कम है या कितने प्रतिशत कम है। अगर प्रतिशत बोल देता नहीं भी बोलता है, ऑप्शन में देखना तो वो परसेंटेज में क्वेश्चन बोलेंगे, तो परसेंटेज में बोलेंगे तो आपको आंसर पता होगा। बात समझ गए, चलो जरा एक और करके दिखाओ, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है इस चीज को करने के, ठीक है। मान लीजिए अगर हम यहां पर ऐसे लिख दें और ऐसा बोल दिया जाए अगर आपसे कि मान लीजिए यहां पर आ जाएगा 20%, ठीक है, आपके पास समय है सिर्फ 10 सेकंड का, जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा। कह रहा है कि ए की आय बी से, ए की आय बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है या कितनी प्रतिशत कम है। अब आप बताओ, जल्दी से बताओ कितना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कितने परसेंट कम होगी, 16 2/3% आएगा। कैसे आएगा आप समझना, भाई बी से आप तुलना कर रहे हो, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा, तो 20% बढ़ाकर आप इधर आ जाइए, 20% बढ़ाओगे तो 20 बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितनी कम है, कितनी कम दिख रही है आपको, 20 कम दिख रही है, कितने पर कम दिख रही है आप, अब तुलना तो ए से होगी, है ना, तो ए से तुलना होगी, ये हो जाएगा 120 × 100 हो जाएगा, और ये आपको कितना दे देगा, ये दे देगा आपको 100/6 जो कि आपका होता है 16 2/3%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 16.66%। ध्यान रखना इस समय पॉइंट में भी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पॉइंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं याद रखते हो तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि उसको याद करने से आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। वो है क्या, एक होता है आपका परसेंट प्रतिशत और एक होता है भिन्न, भिन्न का मान होता है, ठीक। 100% जो भी होगा वो अपने आप में भिन्न में एक होता है, फिर आता है आपका 50% और ये भिन्न में 1/2 कहलाता है, फिर आता है आपका 33 1/3%, या फिर हम इसको लिखते हैं 33.33%, और ये भिन्न में 1/3 के बराबर होता है, ठीक है, 1/3 के बराबर हो जाता है, ठीक। और अगर आप बात करो तो यहां पर आ जाता है फिर 25% और ये होता है 1/4, फिर आता है 20% और ये आता है 1/5, और फिर आता है आपका 16 2/3%, या फिर हम इसको अभी हमने पढ़ा कि 66 2/3% को 16.66 करते हैं और ये हो जाता है 1/6, और अगर हम बात करें आगे चलें तो ये हो जाता है 14 2/7% और ये लिखते हो 14.28%, ठीक, ये 1/7 का वैल्यू होता है। फिर आ जाता है 12 1/2%, इसको लिखते हो 12.5, ठीक है, ये होता है 1/8। फिर अगर आप बात करते हैं 11.11%, या फिर आप इसको ऐसे लिखो 11 1/9%, इसको लिखा जाता है 11.11%, ये होता है 1/9, और फिर आता है 10% जिसको आप बोलते हो, इसको और कुछ नहीं लिखना है, कोई फायदा नहीं है लिखने का, ये हो जाता है 1/10, ठीक है। इसको रीजन क्या है इसको पढ़ने का, रीजन बस इतना सा है कि अगर आप इस चीज को याद रखते हो तो आप डायरेक्टली वैल्यू सोच सकते हो। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि ए की आय बी से 20% अधिक, ठीक है, अधिक है, तो पूछा गया था कि बी की आय ए से कितनी कम है, कितनी कम है, ये तो पूछा गया था। अब जरा ध्यान देना इसका यूज क्यों है, आप मुझे बताओ ए की आय बी से 20% ज्यादा है ना, ज्यादा है, ऊपर है, तो अब अगली वाली जो कहानी है उस पर ध्यान क्या देना है आपको, क्या लिखा है ये कम, मतलब नीचे आना है, ये तो कंफर्म है, 20 से तो नीचे रहोगे, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, 20 से नीचे आप कौन सी वैल्यू लोगे, 16 2/3% आ रहा है ना, और यही अभी आपने कैलकुलेट करके निकाला था, अगर पिछले वाले क्वेश्चन को देखोगे तो यही चीज तो आप कैलकुलेट करके लाए, कितना सिंपल सा आंसर हो गया, 20% बोला है, 20 के नीचे वाली वैल्यू कितनी होती है, 16 2/3%, आंसर आया, काम खत्म, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया। बात समझ पाए, क्वेश्चन को इस तरीके से जब आप लगाओगे ना, मैथ्स बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, हम खुद बायोलॉजी से, ठीक है, लेकिन मैथ्स का बस एक चीज है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी,
बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, और जितने ध्यान से आप प्रैक्टिस करते हैं ठीक है, आप उतना ही परिपक्व होते चले जाते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, आप मोबाइल पर टाइपिंग कर लेते हो, मोबाइल किसी ने आपको सिखाया नहीं था, ठीक है, और आज आप मोबाइल में वो चीजें जानते हो जो बनाने वाला भी नहीं जानता होगा कि ये भी होता है कि नहीं। तो आप टेंशन मत लो, मैथ्स पढ़ोगे तो होगा, ठीक है, तो गणित ऐसी कोई भी चीज नहीं है, और गणित अगर आप गणित मानकर पढ़ते हो तो कभी नहीं आएगी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपसे कि चावल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है, खपत में कितनी कमी की जाए कि मासिक खर्च ना बढ़े। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, आप कुछ करना है क्या इसमें? चावल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की है, खपत में कमी पूछी है, खर्च बढ़ाना नहीं, आपको बताओ 20% कहां दिखा, यहां दिखा, एक स्टेप पीछे चले जाना है, 16 से 2/3% इसका आंसर हो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? अब जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो चावल की कीमत पहले अपने आप में 100% रही होगी, रख लेते हैं 100%। अच्छा 20% की बढ़ोतरी कर दिए हो, अगर 20% की बढ़ोतरी कर दिए हो तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना बन गया, 120 बन गया। अगर ये 120 बन गया, अब आपसे क्या कह रहा है, आप तो यहां पर पहुंच गए ना, अब आपको वापस जाना पड़ेगा, जाओगे नहीं? अच्छा वापस जाओगे तो कितना कम करोगे, 120 को 20 कम करोगे, कितने पर, 120 पर, इंटू 100 करोगे, यही प्रतिशत कमी होगी, यही तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। आप बताओ 0 0 कट गया, 1/6 हो गया, ये बन गया 100/6, और ये अभी बढ़कर आए थे 16.66%। बोलो भाई बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कितना आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ करना था क्या, नहीं करना था। इसी तरीके से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, आपकी समझ होती नहीं है, आपको अपनी समझ को बढ़ाना होगा, ठीक है, जितने अच्छे से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे उतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। अब आगे से कलम का इस्तेमाल मत करना इन क्वेश्चंस में, जरूरत ही नहीं है सब कलम की इस्तेमाल की, ठीक है, कलम खरीदो ही मत, जब परसेंटेज पढ़ने बैठो कलम मत खरीदना, ठीक है, ना पन्ना खरीदना, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करिए, कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसी में वो बदलाव कर देगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, ये हो गया, आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया है दोबारा वीडियो रिवाइंड करिए, इसको पढ़िए, फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरा एक सेट पढ़ेंगे इसका, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरा एक चीज बताना, अभी जरा एक चीज और करके देखते हैं इसमें और क्या बदलाव हो सकते हैं, जरा हम इन संभावनाओं पर बात करते हैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को लगाने का कोई मतलब है नहीं, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, आप कोशिश करिए लगाने की, ठीक है। अब जरा हमसे ये चीज बोली गई कि चावल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है, खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका मासिक खर्च, अब यहां पर एक शब्द जोड़ देगा उसका, या पूरा ही लिख देते हैं हम आपके लिए, अगर आपसे ये बोल दे कि उसका मासिक खर्च केवल 5% बढ़े, अब जरा क्वेश्चन पर ध्यान देना, अब आंसर ये नहीं होगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% तब आंसर होता जब हम पूरा पूरा नहीं पढ़ाते, पूरा पूरा वापस जा रहे होते, लेकिन ये याद रखना, ये तब इस्तेमाल करना जब आपको आगे लेकर जाए और पूरा पूरा पीछे लेकर चलाए, ठीक है। यहां पर आपसे क्या बोल दिया गया कि चावल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई है, खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका मासिक खर्च केवल 5% बढ़े, पूरा नहीं हुआ है, आप बहुत ध्यान से समझना जो हम करने जा रहे हैं। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, परसेंट मत लगाओ टेंशन आ जाती है आप लोगों को, है ना, चलो तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है सर, 100% होती है, 20% ये है आपके पास इंक्रीमेंट हो गया 20% का, 20% बढ़ोतरी हो गई तो कितना बढ़ गया होगा, 20 बढ़ गया होगा, सामान हो कितने का गया होगा, 120 का। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि हमको खपत में कमी करनी, हम भाई 120 रुपया खर्चा नहीं कर सकते,
ठीक। अब 120 रुपया अगर हम खर्चा नहीं कर सकते तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपको वापस आना पड़ेगा, कितना वापस आना पड़ेगा। अगर आपको वापस आना है लेकिन 5% हमको अभी भी हम एक्स्ट्रा 5% खर्च कर सकते, इससे ऊपर खर्चा हम नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, आप अधिकतम कितना खर्चा कर सकते। आप अधिकतम 105 ही तो खर्चा कर सकते, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, क्योंकि उसने ये बोला आपसे कि चावल की कीमत में 20% बढ़ोतरी कर दी गई है, खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका मासिक खर्च केवल 5% बढ़े। खपत आपकी पहले 100 रुपया थी, आप रुपए में समझ लीजिए, तो पहले 100 रुपया थी, आप 120 हो गई, लेकिन 120 तो आपके पास है नहीं, आपके पास 5 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए, वो आपने सोचा कि चलो 5 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं तो ये हम खर्चा कर सकते। कैसे कर सकते, 5% आप एक्स्ट्रा खर्चा करने पर तैयार हो गए, लेकिन अभी भी कमी करनी पड़ेगी सर आपको, खपत में तो कमी करनी ही पड़ेगी क्योंकि आप 105 ही खरीद सकते हो, जो सामान 120 में मिल रहा था 105 में मिलेगा क्या पूरा, नहीं मिलेगा, कुछ तो कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा वही आपको निकालना है। जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो यहां पहुंच गए थे और आना यहां तक था, यहां नहीं आना था, यहां आना होता तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, 16 2/3 आंसर हो जाता, लेकिन आपको आना कहां है, यहां पर आना है, कहां से, इस जगह से, बात समझे। कितना कम करोगे, देखो 120 में से 105 का अंतर कितना हो गया, 15 हो गया, कितने पर कम करोगे, 120 पर कम करोगे, इंटू हो जाएगा 100 और यही प्रतिशत कमी होगी, बात समझ पाए। अगर प्रतिशत देखोगे तो 15 × 15 = 120 और ये कितना हो जाएगा 100/8 जो कि आपको वैल्यू कितनी दे देगा 12.5%, बात समझ पाए। अब देखो इसका भी जुगाड़ है, कैसे जुगाड़ है, आपको 20% कहीं दिख रहा है ना, ये है ना 20%, आपको कमी करनी है, लेकिन ये लगाना मत, क्योंकि यहां तो ठीक है आ रहा है लेकिन कहीं कहीं नहीं भी आता है, मान लो ये 40% कर देगा, आप लगाओ 40% इस पर से नहीं आएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जहां तक आ रहा है वहां तक समझ लीजिए कि 20 ये रहा, 20 से 2 स्टेप नीचे आ जाओ, 1 2 कितना आया, 12.5 आया, ये आंसर ठीक है। इसकी वैल्यूएशन है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको याद भी रहेगा ये, और कोई इश्यू नहीं है इस चीज में, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी चाहिए और ये चीज आपको पता भी होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा करके दिखाओ जल्दी से, सेम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं और इसमें बस खाली थोड़ा सा बदलाव कर दे रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये 15 हो गया है और ये आपसे बोला जाए 30%, ठीक है, आप जरा बताइए तो कितना आंसर आएगा, जल्दी से 30 सेकंड का आपका समय है, क्वेश्चन को पढ़िए फटाक से, क्या कह रहा है कि चावल की कीमत में 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है, खपत में कितनी कमी की जाएगी, उसका मासिक खर्च केवल 15% बढ़े। अब देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप मुझे एक बात बताओ कितनी बढ़ोतरी कर दिए हो, 30 तो 100 का 130 तक पहुंच गए हो, आपसे कमी केवल करनी कितनी है 15% ही तो करनी है कमी, 15% कर लीजिए तो यहां हो जाएगा 115, अंतर कितने का दिख रहा है 15 का दिख रहा है, कितने पर 130 पर, इंटू 100 हो गया, यही आपकी कैलकुलेशन होगी, परसेंट कमी होगी, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 × 15 हो जाएगा, या फिर कैंसिल आउट मत करिए, 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150/13, ये हो जाएगा 13 × 13, अब देखो कितनी तेजी से आप कर सकते हो, 13 × 10 = 13 कितना होता है, जबकि 11 times लग जाएगा, 11 times नहीं लगेगा, हाँ लग जाएगा, 11 times लग जाएगा, 11 times करोगे 143 होगा, 143 × 7/13, ठीक है। देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, बहुत तेजी से आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, इस क्वेश्चन में इतने ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है, ये तो अभी आपको बताने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो दिमाग में सॉल्व कर लीजिए, इतना आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके फायदेमंद होगा, और जितनी आप प्रैक्टिस कम करोगे उतना कम फायदेमंद होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक सिंपल सा आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए, कि एक और क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कभी कभी कि कितने प्रतिशत में कितना मिल जाता है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और आपको लिख कर देते हैं, जरा करके दिखाइए इस क्वेश्चन को कितना आंसर आएगा, अगर हम इसको 25% कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं 4%, ठीक है, जरा इसका आंसर बताओ, कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है,
चावल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है, खपत में कितनी कमी की जाए कि उसका मासिक खर्च केवल 4% बढ़े। ठीक है, तो 4% बढ़ाना है। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 25% आपका बढ़ गया, 25% बढ़ गया तो इसका मतलब 25 रुपया बढ़ गया होगा। और सामान कितना का हो गया होगा, 125 का हो गया होगा। सामान 125 का हो चुका है, लेकिन आपसे कहा गया है कितना केवल बढ़ाना है आपको, 4% बढ़ाना है। तो 4% बढ़ाना है तो 4% बढ़ा दीजिए और ये हो जाएगा 104%। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये कितना हो गया, 125 से 104 तक आना है, कितने की कमी करोगे, 21 की कमी करोगे, नहीं करोगे 21 की कमी करोगे, लेकिन कमी किस पर कर रहे हो, 125 पर कर रहे हो, यही प्रतिशत कमी होगी। और इंटू 100 कर दीजिए, आप देखो कितनी तेजी से इसको कर सकते हो, 25 पंजे 125, 25 चाकू 100। ठीक, अगर ये देखोगे तो ये कितना है, 82 लिखा हुआ है, 16 पंजे 80 होता है, 82 2/5 पर आंसर हो गया, या फिर इसको पॉइंट में लिखोगे तो 16.4% आएगा। ठीक है, और यही आपकी प्रतिशत कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप इन क्वेश्चंस को ऐसे लगाओगे ना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एक लाइन में खत्म हो जाते हैं, इनमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके और अच्छे क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं और क्या बदलाव के साथ आते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।